Praise the name of the Lord. Hallelujah. Lord, we bless your holy name. Lord Jesus, we bless your holy name. Lord Jesus, we praise you, praise you. Hallelujah, hallelujah. We glorify you. Thank you, Jesus. Shalom and greetings to all of you in Jesus' wonderful name. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Bless you, Holy Spirit. Bless you, bless you, bless you. Jesus of Nazareth. Bless you, bless you. Bless you, bless you, bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Hallelujah. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Jai Masih ki, Geeta Masih ji, Prabhu aapko aashish de. I'm praying for you. Tolly Bansal, I am praying for you. I hope God has delivered you from that trouble. Prabhu ne aapki sahayata ki hai. Hallelujah. Ye main aasha karta hoon. Manjeet ji, Jai Masih ki. Chandramohan ji, Jai Masih ki. Brother Mangal Thapa and Samuel Gill, God bless you all. पास्टर लखविंदर जी जय मसीह की हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए, प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु हम इस माध्यम से आपके चरणों में जुड़ें और आपके वचन की गहराइयों को जानें। प्रभु जी, आपके वचन को जानना, आपके वचन के भेदों को समझना, आपके वचन की गहराइयों को जानना, आपके चरित्र को, आपके व्यक्तित्व, आपके स्वभाव को जानना है। जब आप अपना वचन हम पे खोलते हैं, आपके चेहरे का एक नया पहलू हमारे चेहरों पे चमकता है। हम आपको जानते हैं, समझते हैं और आपके सानिध्य में आते हैं। प्रभु जी, आज की शाम अपनी कृपा हमारे ऊपर उंडेलें। लॉर्ड, वी ब्लेस योर होली नेम। इन जीसस प्रेशियस नेम आई प्रे, हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन। आज मैं एक बड़ा अद्भुत संदेश आपके साथ बांटने जा रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से इस संदेश को सुनिए और प्लीज़ दूसरों के संग इस संदेश को बांटिएगा भी। आज हम बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ लेमेंटेशन। बाइबल में परमेश्वर ने एक पुस्तक को रखा है, लेमेंटेशन अर्थात विलाप करना, विलाप करना, घोर संताप में पड़ के विलाप रूपी प्रार्थनाएं करना, चिल्ला के रुद्रन पैदा करके गहराई की याचनाएं यहोवा के आगे प्रस्तुत करना, दैट इज कॉल्ड लेमेंटेशन। और प्रभु का एक दास जिसका नाम जिर्मिया है, उसके विषय में यह लिखा गया परमेश्वर के वचन में, ही इज अ प्रॉफिट विद वीपिंग आईज। वो ऐसा नबी है जिसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बहती हैं। जिर्मिया परमेश्वर का ऐसा भक्त है जिसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकलता रहता है। ए प्रॉफिट विद वीपिंग आईज। परमेश्वर का दास राजा दाऊद, अगर आप 56 भजन संहिता पढ़ेंगे, साम 56 राजा दाऊद ने तब रची जब फिलिश्तियों ने राजा दाऊद को घेरा, उसके घर में उसको एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा और राजा दाऊद को फिलिश्तियों ने वॉर कैप्टिव बना लिया। ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। लड़ाई में पकड़ा गया और उसे बंदी बना के ले गए।
तो राजा दाऊद यहोवा के आगे विलाप करता है, और आपको मालूम राजा दाऊद यहोवा परमेश्वर से याचना करके क्या कहता है। राजा दाऊद जानता है परमेश्वर के अद्वितीय अद्भुत स्वभाव को। राजा दाऊद भजन संहिता 56:56-8 में कहता है, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में संभाल के रखता है। आपको मालूम प्राचीन समय में टीयर बॉटल्स हुआ करती थी, कांच की फ्लास्क होती थी ट्रांसलूसेंट, उसके अंदर जब लोग रोते थे अपने आंसुओं को डालते थे और आंसुओं को प्रिजर्व करते थे। हालेलुया, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में, अपनी बॉटल में, कांच की बॉटल में संभालता है। और जब हम प्रकाशित वाक्य 21:4 पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर स्वयं हमारी आंखों के सारे आंसू पहुंच डालेगा। हालेलुया। खैर, आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बहुत गहरी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेमेंटेशन, विलाप, जिसे जिर्मियाह का विलाप कहते हैं, मैं किसी एक बड़े विशेष व्यक्ति के विलाप के विषय में आज बात करने जा रहा हूं। साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस ये कहती है कि विलाप करने से, रोने से, गहरा विलाप करने से मनुष्य के अंदर चंगाई होती है। आपकी अंदर के घाव जो बहते हैं अंदर ही अंदर, वो चंगे हो जाते हैं, और आपके अंदर से गिल्ट, दोष की भावना निकल जाती है, और आप मानसिक रीति से, मनोवैज्ञानिक रीति से और शारीरिक रीति से चंगे होते हैं। तो मॉर्निंग, विलाप, जिर्मियाह पूरी पुस्तक में विलाप कर रहा है, उस पर भी हम मनन करेंगे, लेकिन आज का विषय संपूर्ण रीति से अलग है। तो बाइबल बताती है विलाप करना, सर में राख डालना, टाट ओढ़ना और अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख दीन करना तिशुबा के द्वारा। तिशुबा का मतलब होता है सच्ची तौबा, सच्चा पश्चाताप, तिशुबा हिब्रू में, उसे तिशुबा कहते हैं। तो प्रभु के वचन को आप देखें, मॉर्निंग विलाप करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी लाइफ को रिपेयर करती है, आपके जीवन में आए डैमेज को चंगा करती है। रिकंस्ट्रक्टिव लेमेंटेशन, आपको चंगा करने वाला विलाप। हालांकि विलाप जो है वो आपके जीवन में आए उस नुकसान की, आपके जीवन में हुई उस क्षति की पूर्ति नहीं करता है, लेकिन विलाप एक अद्भुत प्रक्रिया है। मैं जो आज आपको संदेश देने जा रहा हूं वो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। शायद कभी भी आपने, जो वचन मैं आपको देने जा रहा हूं, जो संदेश देने जा रहा हूं, कभी भी आपने, शायद मैं विश्वास करता हूं, इन वचनों पे कभी विचार ही नहीं किया होगा। तो ध्यान से सुनिए, जिर्मियाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय, जिर्मियाह नबी की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसके 14 से मैं पढ़ता हूं। एंड आई विल सेशिएट द सोल ऑफ द प्रीस्ट विद फैटनेस एंड माई पीपल शैल बी सेटिस्फाइड विद ग्लैडनेस सेथ द लॉर्ड। प्रभु कहता है मैं संतुष्ट करूंगा याजकों को प्रचुर खाने से, फैटनेस चिकनाई रूपी भोजन से, और मेरे लोग जो हैं मेरी भलाई से संतुष्ट हो जाएंगे, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है। सुने 15 बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े अलौकिक वचन और एक बड़ा अनूठा संदेश आपको देने जा रहा हूं। इसका पहला हिस्सा आज और दूसरा हिस्सा उसके ऊपर हम कल मनन करेंगे। 15 Thus saith the Lord, a voice was heard in Rama, lamentation and bitter weeping. प्रभु का वचन कहता है रामा में एक आवाज सुनी गई, बिटर लेमेंटेशन, बहुत ही रुद्रण, बहुत ही गहरा विलाप, जिसे हम कहेंगे बहुत ही गहरा स्यापा, रामा में हुआ। रेचल, रेहल वीपिंग फॉर हर चिल्ड्रन, रिफ्यूज टू बी कंफर्टेड फॉर हर चिल्ड्रन बिकॉज दे वर नॉट। रेहल, राखेल कौन है?
हमारे पुरखे यकूब की पत्नी है जो विलाप कर रही है, ऐसा विलाप कर रही है ऐसी प्रचंड आवाज से जिसे पंजाबी में स्यापा कहते हैं, गहरा विलाप कर रही है, सुन रहे हैं आप, और वो खामोश होना नहीं चाहती। जिर्मिया एक बहुत गहरी बात लिख रहा है। जब जिर्मिया ये वचन लिख रहा है उस समय राखेल को, हमारे पुरखे यकूब की पत्नी को, प्रभु में सोए हुए सैकड़ों साल गुजर गए। राखेल यकूब की पत्नी कई सौ साल पहले प्रभु में सो गई है, उसके कई सौ साल बाद परमेश्वर का भक्त जिर्मिया, एक ऐसा प्रभु का श्रेष्ठ दास जो स्वयं इज़राइल के लिए विलाप करता है, एक सच्चा नबी जो इसराइल को चेतौनी दे रहा है। आपको मालूम वो 70 हफ्तों के भेद को प्रकट कर रहा है, जो भेद बाद में दानियल नबी ने देखा। वो इसराइल को बता रहा है कि तुम 70 साल के लिए गुलामी में जा रहे हो, बाबुल का राजा तुम इसराइल के ऊपर चढ़ के आ रहा है। वो अपने वचन जिर्मिया 24:14 में कहता है, चार सजाएं यहोवा परमेश्वर देता है। मैंने आपको सैकड़ों बार ये प्रचार किया है, जब प्रभु के लोग उसकी आवाज को नहीं सुनते, उसके वचनों पे मनचित नहीं लगाते, उसकी आज्ञाओं के सार नहीं जीते, तो प्रभु यहोवा क्या करता है, तलवार भेजता है, प्रभु यहोवा अकाल भेजता है, प्रभु यहोवा मरी भेजता है, और फिर प्रभु यहोवा बीस्ट भेजता है। बीस्ट, अल्टीमेट बीस्ट है एंटी क्राइस्ट, दुनिया के साम्राज्य, दुनिया की एम्पायर, दुनिया के राज्य प्रभु के लोगों को दबाते हैं और उन्हें गुलाम बना के पराये देश में ले जाते हैं। ये चार सजाएं प्रभु भेजता है। प्रभु का दास जिर्मिया विलाप कर रहा है, इज़राइल को बता रहा है, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा के भवन में जाना, वहां पे जाके प्रार्थनाएं करना, कुर्बानियां चढ़ाना, धर्म के सारे काम करना, इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुमने अपने परमेश्वर को त्याग दिया, तुम्हारा हृदय परमेश्वर की ओर नहीं, तुम परमेश्वर की विधियों और परमेश्वर के मार्गों पे चलने का यत्न नहीं करते। और आपको मालूम इज़राइल के राजा भ्रष्ट थे। जिर्मिया यहूदा के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। यहूदा और बेंजामिन सदरन इज़राइल में रहते थे, जिसे यहूदा कहा जाता है, दक्षिण इज़राइल में, और वहां पे यहोवा परमेश्वर का भव्य मंदिर था। हालेलुया। मैंने एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें एक नहीं बल्कि मैंने कई पुस्तक पढ़ी उसके ऊपर, जिसमें कई इतिहासकार ये बात लिख रहे हैं कि जो टेंपल मंदिर सुलेमान ने बनाया, उसे बनाने में शायद 150 से 180 बिलियन डॉलर, वो मालूम बिलियन डॉलर कितना होता है, 1,000 मिलियन होता है एक बिलियन में, 1,000 मिलियन, और 1 मिलियन में 8 करोड़ होता है। अगर आप 200 बिलियन की बात करें तो अदानी और अंबानी दोनों को मिला के भी इतना पैसा नहीं है उन दोनों के पास। इतना भव्य मंदिर परमेश्वर के दास सुलेमान ने बनाया। हालेलुया। और आपको मालूम जब उस भवन का निर्माण किया तो 120,000 भेड़ें और 22,000 बैल यहोवा परमेश्वर को चढ़ाए गए। 120,000 भेड़ें और 22,000 बैल, 144,000 जानवर। आपको मालूम 7 दिन तक कुर्बानियां चढ़ी, 1,666 जानवर की कुर्बानी की जाती थी 1 घंटे में, हर 4 सेकंड के बाद एक जानवर कुर्बान किया जाता था। 7 दिन तक ये बलिदानों का सिलसिला चलता रहा, एक भव्य हैकल बनी। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है, यहोवा का जलाल उस हैकल में उतर आया, आलीशान हैकल, और प्रभु यहोवा ने उस हैकल को त्याग दिया। पढ़िए आप 4 अध्याय इज़ीकियेल नबी की पुस्तक, और आगे पढ़ते जाइए 4 से 9 अध्याय तक, परमेश्वर का जलाल उस हैकल को त्याग के चला गया। परमेश्वर का जलाल, ये जो आप देख रहे हैं ये है
परमेश्वर के ऐद का संदूक, इसके ऊपर इस ऐद के, ये देखिए याजक इसे लेके जा रहे हैं, इस ऐद के संदूक के ऊपर यहाँ पे लहू था, इस लहू के ऊपर यहोवा का आत्मा विराजमान होता था। तो इज़ेकियल दर्शन देखता है, चार दर्शन, यहोवा का आत्मा यहाँ से उठ के ऊपर चला गया करूबों के ऊपर, फिर हैकल की छत से लग गया, फिर हैकल की छत के ऊपर चला गया, उसके बाद यहोवा का आत्मा स्वर्ग उठा लिया गया, लेकिन जाते समय घूम के जैतून के पहाड़ से परमेश्वर की हैकल की ओर देखता है। तो इज़ेकियल नबी ये दर्शन देखता है क्योंकि इज़ेकियल विलाप कर रहा था कबार नदी के तट पे, जहां वो गुलाम बना के नबूकदनेस्सर के द्वारा ले जाया गया था। तो पवित्र आत्मा उसे यहां से पकड़ के उठाता है, उड़ा के लेके आता है दोबारा हैकल में, और परमेश्वर का आत्मा बताता है इज़ेकियल को क्यों यहोवा परमेश्वर ने हैकल का ये हाल किया, क्यों नबूकदनेस्सर इज़राइल पे चढ़ाया, उसने इज़राइलियों को मारा, उसने पूरे इज़राइल को नेस्ता नबूद कर दिया, उसने यरूशलम के चारों ओर हल चला के उसके अंदर नमक गिरवा दिया ताकि कोई खेती ना की जाए वहाँ पे, और यरूशलम की हैकल को तहस नहस कर दिया। यहोवा की हैकल के, यहोवा परमेश्वर के मसा किए पवित्र बर्तन भी ले गया उठा के। इज़ेकियल को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो प्रभु उसे वहां से उड़ा के लेके आया जहां वो गुलामी में चला गया था। इज़ेकियल गुलामी में चला गया था नबूकदनेस्सर की, और प्रभु दिखाता है हैकल के अंदर कितने गंदे काम हो रहे थे। हिब्रू वर्ड है चिकितिम, चिकितिम, हैकल के अंदर गंदी तस्वीरें बनी थी, हैकल के अंदर औरतें तमूज के लिए स्यापा कर रही थी, तमूज की पूजा, सेमरामिस और निमरोद की पूजा, बालीमों की पूजा जिसे हम क्रिसमस बोलते हैं आज, वो हैकल के अंदर हो रही थी, और परमेश्वर के 70 याजक सूर्य की ओर मुंह करके सूर्य की उपासना कर रहे थे। इस्राएलियों ने प्रभु को त्याग दिया था। जिर्मिया इसलिए नबूवत करके कह रहा था नबूकदनेस्सर आ रहा है, वो तुम्हें मारेगा, तुम्हें गुलाम बना के ले जाएगा, 70 साल तुम गुलाम रहोगे, क्योंकि 70 साल सातवें साल की जो सबत होती है जिसे शमीटा कहते हैं, सातवें साल विश्राम करना, भूमि पे हल मत चलाना। इसराइली लालची थे, वो सातवें साल भी काम करते थे, तो भूमि के ऊपर हल जोता गया। यहोवा ने 70 साल भूमि को विश्राम दिया, 70 साल इसराइलियों को गुलाम बना के ले गया। आपको मालूम यरूशलम में झूठे नबी थे, इसराइल में झूठे नबी थे जो झूठी नबूवतें करते थे। यहोवा हमारे संग है, जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, वो जंग कदे नहीं हारदे, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा की निजात के काम देखो। ऐसे नगमे गा रहे थे जैसे आज भी गा रहे हैं। प्रभु नहीं था उनके जीवन में, प्रभु की हजूरी नहीं थी उनके जीवन में, सच्ची तौबा नहीं थी उनके जीवन में, प्रभु के मार्गों पे नहीं चल रहे थे। आज भी कलीसिया ऐसी है, नाचती है जा जाके, डांस करती, सारे काम करते हैं, लेकिन क्रूस उठा के प्रभु के पीछे नहीं चलते, अपने इस शरीर की वासनाओं को क्रूस पे नहीं चढ़ाते, प्रभु के लिए पवित्र और धर्मी जीवन नहीं जीते। लेकिन वो वर्शिप जो है ना, आराधना सभाओं के अंदर हो रही, वो एंटरटेनमेंट है, वो प्रोग्राम्स हैं जो आप कर रहे हो। जिर्मिया भविष्यवाणी करके कहता है नबूकदनेस्सर तुम्हें गुलाम बना के ले जाएगा, तो झूठे नबियों ने जिर्मिया को जेल में डलवा दिया, क्योंकि वो भविष्यवाणियां करते थे बरकत देने जा रहा है प्रभु, बंगला देने जा रहा है, गाड़ी देने जा रहा है, आसमान से बरकतों की बारिश होने वाली है, आपके ऊपर आशीषें आने वाली, आप कामयाब होने वाले, आपका सुनहरी भविष्य आने वाला है। ऐसे फ्रॉड झूठे नबी, एक नबी था सच्चा जिर्मिया, उसको उन्होंने वहां डाला जो सेप्टिक टैंक था, जहां पे सूखा टॉयलेट होता है, उसमें डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, उसको झूठे नबी मारने के लिए उसके पीछे लगे हुए थे, जो शाही नबी थे, राजा के दरबार में रहते थे, राजा के लिए मीठी मीठी नबूवतें करते थे, इसराइली प्रजा को सब्ज बाग दिखाते थे, झूठी दुनिया दिखा रहे थे, बरकतें बरकतें बरकतें, सच्चा आईना नहीं दिखा रहे थे। एक सच्चा नबी जिर्मिया। आपको मालूम नबूकदनेस्सर आया, उसने सबको मौत के घाट उतार दिया, सब झूठे नबी मारे गए। जिर्मिया ने कहा प्रभु यहोवा के द्वारा, झूठे नबी से तू जिंदा नहीं बचेगा। जब नबूकदनेस्सर आया,
आपको मालूम उसके अहलकारों को बताया गया कि जिर्मिया यहोवा का सच्चा दास है। नबूकदनसर जिर्मिया से मिलने आया और उसने झुक के जिर्मिया के आगे सजदा किया, और आपको मालूम उसने क्या कहा, ब्रदर माइकल टॉम इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश आई वुड अपोलोजाइज आई एम टॉकिंग इन अवर लोकल वर्नैकुलर आई वॉन्ट बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश नन द लेस आई एम टॉकिंग अबाउट लेमेंटेशन वाई लेमेंटेशन एंड ट्रू रिपेंटेंस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस हालेलुया। तो सुनिए, नबूकदनसर ने झुक के जिर्मिया को प्रणाम किया और नबूकदनसर ने कहा अपने वजीर से, अगर प्रभु का ये दास हमारे संग जाना चाहे तो शाही सवारी में बिठा के लेके जाओ और बेबलोन में सबसे बढ़िया जगह इनको दो, अगर ये यहाँ रहना चाहें इनके लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था की जाए। झूठे नबी मारे गए, ये जो झूठे नबी हैं, झूठे प्रचारक हैं, झूठे पापा डैडी हैं, जो परमेश्वर के सच्चे कलाम का प्रचार नहीं करते, एक बहुत बड़ा प्रकोप आ रहा है, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत बड़ा प्रकोप आ रहा है। केवल सच्ची शिक्षा, सच्चे परमेश्वर के दास उस समय खड़े होने पाएंगे। हालेलुया। तो सुनिए, जो मेरा संदेश है वो बड़ा अद्भुत है आज। जिर्मिया नबी 31 अध्याय 14 से 16 वचन में राहेल की बात कर रहा है। राहेल कौन है? हमारे पुरखे याकूब की पत्नी। राहेल को प्रभु में सोए सैकड़ों साल गुजर गए हैं, लेकिन जिर्मिया क्या लिख रहा है? जिर्मिया 31 अध्याय के 15 वचन में लिख रहा है कि राहेल स्यापा कर रही है, विलाप कर रही है, और ऐसे विलाप कर रही है कि वो किसी भी तरह से चुप होने वाली नहीं है, खामोश होने वाली नहीं। शी रिफ्यूजेस टू बी कंसोल्ड, शी इज वीपिंग वेहमेंटली एंड बिटरली, शी इज इन डीप एंग्विश एंड लेमेंटेशन। हालेलुया। फॉर हर चिल्ड्रन, बिकॉज हर चिल्ड्रन आर नो मोर। राहेल जो है स्वर्ग में, जिर्मिया नबी दर्शन देख रहा है, स्वर्ग में उठा लिया गया जिर्मिया और स्वर्ग में दर्शन देख रहा है। राहेल जो ये घटना घटी है, इसराइलियों को नबूकदनसर गुलाम बना के ले गया है, ये घटना राहेल के सैकड़ों साल बाद घटी है, सैकड़ों साल बाद। इससे सैकड़ों साल पहले राहेल थी, वो स्वर्ग चली गई है, लेकिन अभी भी जब इसराइली लोग नबूकदनसर की गुलामी में जा रहे हैं, वो स्वर्ग से विलाप कर रही है, स्यापा कर रही है, रो रही है अपने बच्चों के लिए। आपको मालूम, नबूकदनसर जब आया, उसने जितने अच्छे अच्छे लोग थे, जवान थे, टैलेंटेड थे, जिनको कोई ना कोई ट्रेड आता था, जो कुछ करने लायक थे नबूकदनसर के लिए, जो बेबलोन में जाके कुछ काम करने के लायक थे, बाबुल का राजा उन्हें गुलाम बना के ले गया। जो बूढ़े लोग थे, अपंग थे, बेसहारा थे, उनको छोड़ गया, विधवाओं को छोड़ गया, बूढ़ों को छोड़ गया, पूरे यरूशलेम को तहस नहस कर गया, और यहोवा की आलीशान हैकल। मैंने आपको बताया 144,000 जानवर चढ़ाए गए, 7 दिन तक हर चौथे सेकंड के बाद कुर्बानी होती गई, एक दिन में 1666 कुर्बानियाँ होती थी, 7 दिन कुर्बानियाँ चलती रहीं। आलीशान हैकल जिसको बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे, शायद 200 बिलियन डॉलर एस्टीमेट है, 150-180 यूएस डॉलर्स, लेकिन बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट नहीं हो सकती। इतना पैसा, एक आलीशान हैकल जिसमें यहोवा वास करता था, लेकिन यहोवा उसको छोड़ गया। यहोवा किसी भी चर्च को, किसी भी हैकल को, किसी भी मिनिस्ट्री को छोड़ जाता है जब वहाँ पे पाप होता है, अधर्म होता है, बदकारी होती है, करप्शन होती है, जब यहोवा की आवाज़ सुनी नहीं जाती, वो वहाँ से चला जाता है, तब दुश्मन आता है और बैंड बजाता है बुरी तरह से। आपको मालूम, वो इसराइली जवानों को, काबिल लोगों को नंगा करके लेके गया, 1600 मील की यात्रा है। हालेलुया। वो यरूशलम से डेड सी की तरफ होके हरमन पहाड़ की ओर लेके गया, माउंट हरमन की ओर, और सीरिया लेबनन से क्रॉस करता हुआ 1600 मील की यात्रा। आपको मालूम, नबूकदनसर की जो
आर्मी थी, फौज थी, उन्होंने इसराइली जवानों को पिंजरों में डाला, लोहे के ऊपर ऐसे पिंजरे डाले होते थे, नीचे से पाँव से वो चलते थे, बेड़ियां थी पाँव के अंदर, और वो अलफ नंगे थे। इसराइली जवान, इसराइली नवयुवतियां नंगी थीं, 1600 मील 2575 किलोमीटर की यात्रा, ये इतनी है जितनी जलंधर से बेंगलोर, जलंधर से बेंगलोर है 2550 किलोमीटर। उन्हें 5.5 महीने लगे पहुंचने में, वो 5.5 महीने नंगे लोग, इसराइली जवान, इसराइली नवयुवतियां, इसराइली काबिल लोग, इसराइली पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, नंगी अवस्था में बेड़ियों में जकड़े पिंजरों के बीच जानवरों की तरह नबूकदनेस्सर ने लेके गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु की आवाज़ नहीं सुनते थे, परमेश्वर के सच्चे नबी की आवाज़ नहीं सुनी उन्होंने, वो झूठे फ्रॉड नबियों पे भरोसा रखते थे। बरकत मिलने जा रही है, बंगला मिलने जा रहा है, वीजे लगने जा रहे हैं, गाड़ी मिलने जा रही है, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल, इस पे विश्वास करते थे। और वो गुलामी में चले गए। आपको मालूम वो आलीशान हैकल, वो उन्हें याद आ रही है जहाँ पे वो यहोवा की उपासना करते थे, फसा के पर्व को मनाने के लिए, पंतेकोस्त और झोपड़ियों के पर्व को मनाने के लिए, कुछ लोग तो सातों पर्व मनाने के लिए, कुछ लोग हनुका 9 पर्व के 9 पर्व मनाने के लिए जाया करते थे। वो कहते थे मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ खुदा वंदे कर चलिए, हालेलुया। और वो कहते थे खुदा वंदा तू लश्करादा खुदा है। अब वो नंगे जंजीरों से बंधे पराए देश में जा रहे हैं, 5.5 महीने की यात्रा करते बेबीलोन पहुंचते हैं। सबसे पहले बेबीलोन में घुसते मार्दुक देवता का मंदिर आता है, जिसके 60 खंबे हैं, 60 कॉलम के ऊपर खड़ा है, बहुत ऊंचा बुलंद मंदिर मार्दुक देवता का। उसके बाद आइसिस देवी का टेंपल है वहां पे, इनलिल देवता का मंदिर है वहां पे, इनाना देवी का, आनू का, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, और इंकी का, आबजू का, निनगाल का, हदाद का, तियामातू का, किंगू का, निशाबू का और नाबू का। नाबू देवता के नाम से नाम दिया था नबूकदनेस्सर की माँ ने, नबूकदनेस्सर, नाबू देवता का गुलाम। पराए देश में पहुंच गए भाइयों, विलाप करते हुए यरूशलम को स्मरण कर रहे हैं, अपनी औलाद को। ये औरत राखेल हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले सो गई है, लेकिन स्वर्ग में विलाप कर रही है। जब इसराइलियों को जंजीरों से बंधे, ये उसकी औलाद है, उसके बेटे और बेटियां हैं जो सैकड़ों साल बाद पैदा हुए हैं। उन्होंने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने नाफरमानी की, यहोवा की विधियों, यहोवा के हुक्मों को तोड़ा, हालेलुया, और वो गुलामी में चले गए। और राखेल स्वर्ग में रो रही है, विलाप कर रही है। जिर्मिया एक ऐसा नबी जो खुद विलाप कर रहा है पृथ्वी पे इसराइलियों के लिए, वो सच्चा कलाम सुनाता था, सच्ची राहें बताता था, वो इसराइलियों को कह रहा था तौबा करो, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। वो मशहूर पादरियों के पीछे भागते थे जहां भीड़ें इकट्ठी होती हैं, उन्होंने सच्चा कलाम, सच्ची राहें नहीं सुना। यहोवा के सच्चे राह, यहोवा के सच्चे नियम, यहोवा की सच्ची विधियां यहोवा के सच्चे सेवक के पास थी। वो भी विलाप करता है जमीन पे, लेकिन वो देख रहा है स्वर्ग में यहोवा ने उसे दर्शन दिया कि राखेल विलाप कर रही है, स्वर्ग से रो रही है। और क्या लिखा है वहां पे असली भाषा में, कोल ब्रामा निश्वा, एक आवाज स्वर्ग में सुनी जा रही है, कोल ब्रामा निश्वा, एक आवाज स्वर्ग में सुनी जा रही है, किन्हे वखूत हाम रुहेम, किन्रे वखूत हाम रुहेम, ये चिल्लाने की आवाज है, विलाप की आवाज है, स्यापे की आवाज है, बिटर क्राय, एक बहुत रुद्रण आवाज स्वर्ग से आ रही है। रखेल नवखन बन्याहू, ये राहिल की आवाज है जो रो रही है, विलाप कर रही है, क्योंकि उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां गुलामी में चले गए हैं। स्वर्ग में रो रही है इज़राइल की मां राहिल। आपको मालूम इज़राइल में आप जाइएगा, बैतलहम में
राहिल की कब्र है, किबेर राखेल, जाइए वहां पे। मैं वहां पे गया हूं, वो जगह देखी अंदर से जाके, वहां राहिल की कब्र है। उस कब्र को ऐसे छूते ही मैं फूट फूट के रो पड़ा। वो जो हमारी मां है, हम इज़राइल के अंदर रोपे गए हैं। 9 अध्याय रोमियो की पत्री, 11 अध्याय 25 वचन से रोमियो की पत्री पढ़ लीजिए। हमें इज़राइल के अंदर रोपा गया, वो हमारी मां है, वो स्वर्ग में आज भी विलाप कर रही है। जब उसके बेटे और बेटियां, शैतान उन्हें जंजीरों में बांध के पाप की गुलामी में लेके जाता है। आपको मालूम, वो बहुत अद्भुत जगह है। मैंने कई पिक्चर्स डाली हैं फेसबुक पे, जहां मैंने ऐसे किप्पा डाला हुआ है और मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। हम उसी जगह में किबे राहिल, राखेल की कब्र पे गए। इज़राइल में सबसे ज़्यादा जो जगह विजिट होती है, सबसे पहले नंबर पे जगह है वेलिंग वॉल, दूसरे नंबर पे है राहिल की कब्र। राहिल की कब्र दूसरे नंबर पे सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत से क्रिश्चियंस को, विश्वासियों को पता नहीं है उसके विषय में, वरना शायद वो पहले नंबर पे हो। इज़राइल की माँ विलाप कर रही है। मत्ती, प्रेरित मत्ती, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 18 वचन में यही शब्द लिख रहा है। जब एक दुष्ट राजा हेरोदेस, उसे जाके समाचार देते हैं मैजाइस कि यहूदियों का राजा जन्मा है, तो वह सब छोटे बच्चों को मरवा देता है, तो स्वर्ग में फिर इज़राइल की माँ राहिल विलाप करती है, रोती है, स्यापा करती है, लेमेंटेशन करती है। स्वर्ग में कोई आज से हजारों साल पहले गया हुआ व्यक्ति हजारों साल पहले विलाप करके अभी इस समय भी विलाप कर सकता है, या जब 586 BC में मसीह के आमद से 586 वर्ष पहले इज़राइल गुलाम बन के जा रहा है, गुलामी में नबूकदनेस्सर की, वो स्वर्ग में विलाप करती है। आप वचन को ध्यान से पढ़ें, प्रकाशित वाक्य यशाया नबी की पुस्तक 66 अध्याय का 7 और 8 वचन, दानियल 12 का 1 और जिक्रिया नबी की पुस्तक 13 के 1 से 13, ये वचन बताते हैं कि अभी समय आ रहा है जब एंटी क्राइस्ट आएगा और इज़राइल मृत्यु की वाचा बांधेगा मसीह विरोधी के साथ, एंटी क्राइस्ट के साथ, और 2/3 इज़राइल मारा जाएगा। 66% 66% इज़राइली लोग मार दिए जाएंगे एंटी क्राइस्ट के द्वारा। रोमियो 11 का 25 से 29 पढ़ें। आपको मालूम, राहिल विलाप कर रही है क्योंकि राहिल के बच्चे, हालेलुया, गुलामी में जा रहे हैं। जब वो जा रहे हैं गुलामी में, जंजीरों से बंधे नंगे, क्योंकि उन्होंने सच्चे नबियों की आवाज़ नहीं सुनी, परमेश्वर के सच्चे कलाम की ओर रजू नहीं लाए, परमेश्वर की सच्ची राहों पे नहीं चले, झूठे नबियों के द्वारा ठगे गए, झूठे प्रचारकों, झूठे प्रेरितों के द्वारा ठगे गए और गुलामी में चले गए। हालेलुया, वो स्मरण करते हैं उस अद्भुत यहोवा की टेम्पल को, उसके ग्रैंडर को, क्या आलीशान हैकल है। मैंने आपको बताया, वो जब हदाद का, निनगाल का, तियामात का, खांगू का, निशाबू का, एंकी का मंदिर देख रहे हैं, मारदूक के भव्य मंदिर को देख रहे हैं, इनाना के, अनु के मंदिर को देख रहे हैं, उन्हें याद आता है यहोवा की हैकल। हालेलुया। पहला राजा 8 अध्याय के 63 वचन में और दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, 22,000 बैल और 120,000 भेड़ों को परमेश्वर के खादिम सुलेमान ने यहोवा के आगे बलि किया। ये बलिदान 7 दिन तक चलता रहा। पहला राजा 8 अध्याय का 64-65 वचन पढ़ लीजिएगा, दूसरा इतिहास 7 का 7। 1 दिन में 20,000 जानवर की कुर्बानी दी जाती थी, तब जाके 1,44,000 जानवर 7 दिन में यहोवा के आगे चढ़ाए गए। 1,44,000, 20,000 प्रतिदिन। आपको मालूम, हर 4th सेकंड एक जानवर की कुर्बानी होती थी। 12 शिफ्टों में याजक काम कर रहे थे और 1,666 जानवर एक दिन, एक घंटे में, 20,000 एक दिन में, 1,666 एक घंटे में यहोवा के आगे चढ़ाए जाते थे। वो याद कर रहे हैं उस भव्य मंदिर को, उसकी
शान को, उसके जलाल को। वो गुलामी में अब जा रहे हैं तो ऊपर से राहिल जो इज़राइल की माँ है, हमारी माँ है, वो स्यापा करके रो रही है। उसको प्रभु के पास गए सैकड़ों साल हो गए फिर भी रो रही है, और लिखा है शी रिफ्यूजेस टू बी कंसोल्ड, वो चुप होना नहीं चाहती। बहुत ऊंची आवाज में स्यापा कर रही है, इधर से विलाप कर रही है, एंड शी रिफ्यूजेस टू बी कंसोल्ड। तब प्रभु यहोवा उसे क्या कहता है, 15-16 वचन पढ़िए ध्यान से, 16 वचन। प्रभु यहोवा कहता है, देन गॉड सेज इन हेवन, स्वर्ग में कहता है, जब राखेल रोती है विलाप करती है, मैं अनालीना खेल, शी रिफ्यूजेस टू बी कंसोल्ड, वो चुप नहीं हो रही, वो विलाप कर रही है, क्योंकि उसके बेटे और बेटियां गुलामी में जा रहे हैं। मैं अनालीना खेन, वो विलाप कर रही है, अलवाने हे आखीने, क्योंकि उसके बच्चे नहीं हैं, वो गुलामी में चले गए, और शी इज बिकम डेसोलेट, वो स्यापा कर रही है। तो क्या कहता है जिर्मिया अगले वचन में, ध्यान से पढ़िए इसका 15 वचन, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ इसका 15 और 16। Thus saith the Lord, a voice is heard in Ramah, lamentation and bitter weeping. Rahel weeping for her children, refused to be comforted for her children because they were not. Alwane he hakine, उसके बच्चे नहीं है, वो क्या कहती है, me analina khin, वो चुप नहीं हो रही, उसके बच्चे नहीं है, वो विलाप कर रही है। तो क्या लिखा आगे 16 वचन में, Thus saith the Lord, तब यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, का मारा से माना कोल भी की। क्या कहता है यहोवा, रिफ्रेन दाई वॉइस फ्रॉम वीपिंग, रोना बंद कर, का मारा से माना कोल भी की, विलाप करना बंद कर और अपने आंसुओं को रोक ले, यहोवा कहता है, फॉर दाई वर्क शैल बी रिवॉर्डेड, तेरा काम क्या कहता है, माना कोल भी की, अपने आंसुओं को रोक ले, और प्रभु कहता है ड्राई योर आईज, बिनाय हाकू कीमा, अपनी आंखों को पोछ डाल, अपने आंसुओं को रोक ले, प्रभु यहोवा यूं कहता है। और क्या कहता है प्रभु यहोवा, की पिहुला ए सखार, प्रभु कहता है तेरा काम, तूने जो काम किया है, इट इज गोइंग टू बी रिवॉर्डेड, तेरा जो काम है उसका तुझे इनाम मिलेगा, हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है, वायदा क्या करता है प्रभु उसके साथ क्या वायदा करता है, आखिरी अगला हिस्सा, दे शैल कम अगेन फ्रॉम द लैंड ऑफ द एनिमी, वो शत्रु के देश से वापस लौटेंगे। यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में विलाप कर रही है, स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर उससे बात कर रहा है। यहोवा परमेश्वर कहता है, अपने रोने की आवाज को रोक, अपनी आंख के आंसू पोछ डाल, और यहोवा परमेश्वर क्या कहता है उसको, ड्राई योर आईज, अपनी आंखें पोंछ ले, अपने आंसू रोक ले, अपने विलाप की आवाज को बंद कर ले, और क्या कहता है, की पिहुला ए सखार, तेरा काम, योर वर्क शैल बी रिवॉर्डेड, तेरे काम का तुझे प्रतिफल मिलेगा। और आगे क्या कहता है प्रभु, नियूम याहुआ सुब इरेट्स ओवे ओएव, नियूम याहुआ सुब इरेट्स ओएव, तेरे बच्चे दुश्मन के देश से वापस लौट आएंगे, तेरे लिए आशा है प्रभु कहता है, ये एग्जाइल विल बी ओवर। उसकी पुकार सुनी गई, उसका रोना सुना गया, एक माँ अपनी औलाद के लिए, देश की माँ है, राष्ट्र की माँ है, पूरी कौम की माँ है, वो प्रभु यहोवा के आगे चिल्लाती है, हालेलुया। क्या सृष्टि का बनाने वाला रचिता, एक ऐसी माँ की लेमेंटेशन, स्यापे को, उसकी गहरी पुकार को सुन के एक प्रॉमिस कमिट करता है रेहल के लिए। रेहल जो है रो के उसने स्वर्ग के गेटों को, फाटकों को हिला दिया है। क्या सवाल यह है, क्या रेहल केवल अपने विलाप के कारण कामयाब हुई है, बताइए मुझे, केवल उसने विलाप किया, विलाप करना, रोना, परमेश्वर के आगे स्यापा करना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर क्या रेहल
केवल अपने रोने और विलाप के कारण यहोवा परमेश्वर के हृदय को बदलने में कामयाब हुई है? Is she successful for her lamentation? अपने विलाप के लिए वो कामयाब हुई? तो यहां पे क्या लिखा 15 वचन में? 15 वचन में लिखा, प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, thy work shall be rewarded. तेरे काम का प्रतिफल मिलेगा, इनाम मिलेगा. सुनिए, अगर कोई रोता है, विलाप करता है, बहुत हृदय से पुकारता है, आप उस पर तरस खाते हो, आप उसे रिवॉर्ड नहीं देते, इनाम नहीं देते. मेरे बच्चे हैं, छोटे थे मेरे बच्चे, अभी भी मुझे याद है, रोते थे बहुत बुरी तरह किसी चीज़ के लिए, तो मैं अपने बच्चों पे तरस खाता था, उन्हें इनाम नहीं देता था. जब आप विलाप करते हो तो परमेश्वर का कंपैशन, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया आपके ऊपर उंडेली जाती है. लेकिन जिर्मिया कहता है, तेरे आंसुओं का, तेरे विलाप का एक रिवॉर्ड है. किस चीज का रिवॉर्ड है ये? प्रतिफल है राहेल के एक्शन का. राहेल ने कुछ ऐसा अद्भुत काम किया है जिसकी वजह से यहोवा परमेश्वर की करुणा उंडेली गई है. मैं आपको बताना चाहता हूं, विलाप भरी प्रार्थनाएं, आंसू भरी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हैं, लेकिन आपके जीवन में आप जो एक्शन लेते हो, परिवर्तन लाते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो काम करते हो, जो इस वचन में लिखा है, इस वचन की विधियां, इस वचन के हुक्म, इस वचन के नियम, इस वचन में बताई गई राहों के अनुसार चलते हो, तब यहोवा आपके ऊपर करुणा करता है. राहेल ने कुछ काम किया है जिसका प्रभु यहोवा उसे इनाम देगा. क्या काम किया है और क्या यहोवा परमेश्वर उसे रिवॉर्ड देगा, कल हम इसके ऊपर मनन करेंगे. हालेलुया. तो आज मैं प्रार्थना करता हूं, सभा को समाप्त करता हूं. स्वर्गीय पिता, राहेल हमारी मां जो स्वर्ग में विलाप करती है, उसने विलाप किया जब 586 BC में नबूकदनस्सर ने यरूशलेम को तहस नहस कर दिया और इसराइलियों को नंगे करके गुलाम बना के ले गया, उसके बेटे बेटियों को गुलाम बना के ले गया. उसने विलाप किया स्वर्ग से, जिर्मिया ने देखा स्वर्ग में उसे विलाप करते. उसने विलाप किया जब यीशु मसीह के समय सारे बालकों को हेरोदेस राजा ने मार दिया, तब भी उसने स्यापा किया. वो अब स्यापा फिर करेगी जब 7 साल का सताव आएगा, लेकिन वो अभी भी स्यापा कर रही है जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके लिए खरीदे गए बेटे बेटियां प्रभु के सच्चे वचन को नहीं सुनते, प्रभु की सच्ची राहों पे नहीं चलते, प्रभु के सच्चे मार्गों के अनुसार अपना जीवन नहीं बनाना चाहते, जो अपने जीवन में गंदे घिनौने काम, गुप्त पाप, व्यविचार, हर तरह की बुराई को छोड़ना नहीं चाहते, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी केवल एक एंटरटेनमेंट बनाई है, आज भी उनके लिए हमारी माँ राहेल स्यापा कर रही है स्वर्ग में, विलाप कर रही है. काश वो प्रभु की ओर लौटे और प्रभु के सच्चे राहों पे चले. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह में आपका लहू जितने लोग इस समय ऑनलाइन है सबके ऊपर छिड़कता हूँ. प्रभु तू ऐसा करना, इस वचन के द्वारा इनके जीवनों को बदलना. प्रभु प्रभु तेरा नाम जलाल पाए. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं, आमीन. सबको जय मसीह की. परमेश्वर आपको बरकत दे. एक छोटी सी निवेदन, प्रभु के कुछ काम को हम करना चाह रहे हैं जिसके लिए अगर आप के दिल से प्रभु बात करें तो प्रभु के लिए बीज बोना, पैसे का बीज बोना, अगर यहोवा आपके दिल से बात करे. हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आपको